नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज एक ताऊ जी दिखाता हूँ। कहते हैं, लोग कहते हैं कि उम्र के साथ बुढ़ापा आ जाता है, लेकिन एक हमारे ताऊ जी हैं और वो कुछ दवाई लेने आए हैं। 62 साल से ऊपर उम्र है इनकी, 65 साल के करीब, ये देखिए। और अभी भी काली मेहंदी करवा के आए। ताऊ, काली मेहंदी करवा के आए? कहाँ करवाई है? सोलह में। किससे करवाई? नाम है विकास, विकास से। अच्छा, कितने रुपए लिए थे काली मेहंदी करने के? 50 रुपए है जी। 50 रुपए। देखो ताऊ ने काली में, सिर नीचे करो, देखो ये देखो, 65 साल की उम्र है करीब। 65 साल उम्र है ताऊ, और काली मेहंदी करवा के आए। देखो इनका जो शौक है ये पहले से ही है काफी। इनका मन अभी भी बुढ़ापा में नहीं आया है, उम्र बेशक बढ़ा, 65 साल की हो गई है। तो ऐसे हमारे देश में, हमारे एरिया में ऐसे बुजुर्ग हैं जो अभी भी अपना शौक और मन रखते हैं पूरा। तो और बुढ़ा, बड़े बूढ़े इनके लिए कुछ कहना चाहते हो कि पूरे मौज से रहना चाहिए सब बड़े बूढ़े? हाँ सर, मौज से रहना चाहिए। तो हाँ, सरकार भी देखो इनको, हरियाणा में सरकार भी 2500 रुपये दे रही सरकार अब पेंशन के। आपको पेंशन नहीं मिलती है? क्यों, 65 साल उम्र हो गई, क्यों नहीं मिलती? देखो इनकी 65 साल उम्र है, अभी पेंसिल भी नहीं बनी हुई है, पता नहीं कैसे नहीं बनी है, लेकिन फिर भी अपने खुद ही अपना खर्चा चलाते हैं और अपने शौक मौज पूरे करते हैं। और इसी तरीके की जो और बड़े बूढ़े हैं वो अपना शौक पूरे करते हैं। और इनकी पेंसिल जल्दी से जल्दी बननी चाहिए, क्योंकि इनकी देखो 62 से भी ऊपर उम्र है, 65 के करीब। तो क्यों नहीं बदी अब तक पेंशन? वैसे कहे सर, पंच माने ना, माने ना, माने ना, माने ना। तो तुम सर पेंशन, तो तुम्हारे कागज पूरे हो तो पेंशन तो बंधवाओ अपनी। कागज पूरे तो फिर बंधनी चाहिए ना। चलो ठीक है, अब तुम दवाई लेने आए हो मुझे। क्या क्या दिक्कत हो रही है तुम्हें? अच्छा, चलो ठीक है। तो मैं तो यही कि मेहंदी कितने दिन में करवा लेते हो? पहले मेहंदी करवाते रहते। चलो ठीक है। तो भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपके आसपास जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग हों उनको ऐसे ही खुश रखें जैसे अभी बहुत खुश हैं। तो क्योंकि बड़े बूढ़े खुश हैं तो बालक भी खुश रहते हैं हमेशा। जय राम जी की।